बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मोहतरम सफीर पाकिस्तान अहमद फरूक साहब, सदर पाकिस्तान सोसाइटी चौधरी उनैस साहब, नायब सदरू मोहतरम इमाम साहबान, बाकी बहुत सारे तंजीमात के हमारे साथी दोस्तों, अनंसिया से आए हुए हमारे बहुत ही प्यारे मेरी खीस भारत भट्ट साहब, भारत फारी साहब, मैं यहाँ बैठा गिन रहा था कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 33 तंजीमात के यहाँ पर बैठा यहाँ बैठे। आप सबको पाकिस्तान की 74वीं यौम आज़ादी मुबारक हो। अब अगर मैं 34 तंजीमों के नाम लूँ तो फिर वक्त तो आपने पहले देख लिया है, नमाज का भी वक्त नज़दीक है, बल्कि हो चुका है और टाइम भी काफ़ी हो चुका है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए और उसकी यौम आज़ादी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ख्वाब था अल्लामा इकबाल का, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी कायद अज़म रहमतुल्लाह अलैह की, इसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ थी हमारे बुज़ुर्गों की, हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी कौम का साथ दिया और बड़े सगीर के मुसलमानों का साथ दिया, तो अल्लाह ताला ने हमें ये एक अजीम तोहफा दिया। मैं समझता हूँ कि इस अल्लाह ताला के तोहफे को अगर हम उस नज़र से देखें, कायद आज़म की सोच से, कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे मुसलमान बहन भाई उनकी क्या हालत है, और कश्मीर के अंदर जो हमारे बहन भाई इतने जुल्म और ज़्यादती, खसूसन ये पिछले एक साल से जिस तरह हैं, तो वो आप सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मैं बहुत कोशिश करूँगा कि मुझे तो शुक्रिया अदा करना था, और वैसे भी मेहमान खसूसी के बाद और इतने माशाल्लाह इतने काबिल एहतराम मुकर्रीन और इतनी प्यारी प्यारी बातें हर लिहाज से, इनमें लॉजिक थी, एक मैसेज था, खुसूसन मुफ्ती साहब ने और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने जो मैसेज दिया उसके बाद बात करने को बिल्कुल ही नहीं रहती। लेकिन मैं दो जल्दी में बातें करके ज़रूर जाऊंगा। एक तो कायद अज़म की सोच, जिस पर अल्लाह ताला ने हमें ये तोहफा दिया और आज ये दुनिया देख रही है, ये अलग बात है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, हमारा दोस्त खीस हमेशा रोकर सिर्फ झंडे को सलाम नहीं करता, वो उस साइड को भी देखता है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं इन्होंने हमेशा